हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई हो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हम सामने वाली बिल्डिंग से हमारी रोल्स रॉयस वापस लेके आ चुके थे। तो हमारी रोल्स रॉयस हमारे घर के ठीक आगे ही खड़ी है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे शोरूम के अंदर। तो चलो फटाफट से चलते हैं। वैसे तो ये अभी हमारा हाउस है और हमने उसे हम अपना शोरूम भी बना रखा है। तो चलो कोई नहीं, बाद में एक अलग से शोरूम भी खरीदेंगे ज़रूर से। चलो गाइस, अभी मैं आ चुका अपने घर के बाहर शोरूम में। और गाइस, यहाँ हमारा ट्रक खड़ा है और बाहर खड़ी है हमारी रोल्स रॉयस, तो और फॉर्चुनर भी उसके ठीक पास में ही खड़ी है। और बाकी गाड़ियाँ हमारी इधर खड़ी है, और इधर स्कॉर्पियो, रेंज रोवर, फॉर्चुनर खड़ी है, और उधर हमारी 6 बाइक्स खड़ी है, और हमारा हॉर्स भी यहीं पर खड़ा है। तो चलो, और अभी हमें बाइक मंगवानी पड़ेगी क्योंकि यही बाइक बची है। तो चलो गाइस, चलते हैं फटाफट से। तो इधर हमारी टार्जन खड़ी, आज हमें इसका भी कलर चेंज कराना है। तो हाँ गाइस, अब हमारे को कोई ख़तरा नहीं इस गाड़ी को बाहर निकालने में, तो अब इसे हम इसका पुराना वाला लुक दे देंगे। तो चलो, बट उससे पहले हम हमारी हायाबुसा को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको कल ब्लैक कराया था, तो अभी तक वो वहीं खड़ी है। तो चलो फटाफट से निकाल लेते अपनी हायाबुसा को। ओके गाइस, मैंने हायाबुसा को निकाल लिया, फटाफट से इसको लेके चलते हैं आगे। बहुत सेक्सी सी बाइक है ये, इतनी प्यारी बाइक है ना, कुछ भी बोलो, बस इसको इतनी पावर इस बाइक में कि जरा सी रेस देने में इतनी खतरनाक साउंड आता, बट एक सेकंड मैंने ठोक दी गाड़ी। बात करने के चक्कर में मैंने गाड़ी ठोक दी, बट कोई नहीं, फटाफट से चलते हैं और सीधा अपन खड़ा करते हैं इसको ले जाके यहाँ पर। तो चलो फटाफट से ला चुका हूँ अपने शोरूम में गाड़ी, अब फटाफट से यहाँ लगाते हैं और इसे भी खड़ा कर देते हैं, इसकी जल्दी सेल हो जाए बस ये। तो चलो गाइस, फटाफट से मैंने इसे भी लगा दिए यहाँ पे। तो चलो फटाफट से इसको लगा देते हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से इसको यहीं खड़ी कर देते हैं। तो चलो गाइस, मैं उतर चुका हूँ अपनी अभी गाड़ी से, अब चलते अपना नेक्स्ट काम के लिए। तो अभी चलते हम सीधा अपने हॉर्स को छांव में खड़ा करने, क्योंकि ये बेचारा कब से धूप में खड़ा है, तो इसलिए अभी इसको हम छांव में खड़ा कर देते हैं। तो चलो गाइस, फटाफट से चलते हैं, यहीं खड़ा कर देते हैं ऐसे। चलो गाइस, मैंने अपने हॉर्स को खड़ा कर दिया, अब फटाफट से चलते हैं सीधा अपने शोरूम के अंदर, जो और ऑफिस में जाके देखते हैं कि आज कोई डिलीवरी है या नहीं। तो चलो फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि कोई डिलीवरी है या नहीं। तो गाइस, हमें एक डिलीवरी मिली है। तो गाइस, वो एक कार की डिलीवरी, और वो कार है हमारी रेंज रोवर। तो हाँ गाइस, अब हमारी रेंज रोवर बिक चुकी है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी कि हमारी रेंज रोवर बिक गई, क्योंकि जब से आई थी मेरे को लग नहीं रहा था कि ये अभी इतनी जल्दी बिकेगी, बट ये गाड़ी आज बिक चुकी है फाइनली। बहुत प्यारी रेड कलर की लुक में है हमारी। तो अभी जो न्यू मॉडल्स हैं वो भी आएंगे हमारे शोरूम में, तो अब तो ये हमारे शोरूम से जा रही है। तो चलो अब इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं, बट उससे पहले इसकी फील देखो, मेरे को इसको चलाने में इतना प्यारा सा लगता है, बट कुछ भी बोलो, बहुत प्यारी गाड़ी है। रेंज रोवर सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग व्हीकल है, अब फॉर्चुनर भी अच्छी हो, थार भी, लेकिन ऐसी रॉयल फीलिंग वाली एसयूवी में रेंज रोवर बहुत सबसे प्यारी गाड़ी लगती है। डिफेंडर भी आती, बट वो हम पे नहीं है, कभी ना कभी हम वो भी लेंगे। तो चलो गाइस, अभी मैंने इसको बाहर निकाल लियो, और इसकी डिलीवरी हम यहाँ नहीं करेंगे, इसकी डिलीवरी करेंगे हम थोड़ी शांत लोकेशन पे। तो चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं, फटाफट से इधर और इधर ही देंगे। तो चलो गाइस, फटाफट से मैं इसको यहाँ खड़ा करके इसकी पूरी तैयारी करता हूँ, और फिर आपसे आके मिलता हूँ मैं। तो चलो गाइस, फटाफट से करते हैं। तो गाइस, पूरी हो चुकी तैयारी, और पूरा पेपर वर्क वगैरह सब हो रहा है। चलो अब फटाफट से उसका वेट करते होने का। तो ओके गाइस, अब हो चुका पूरा पेपर वर्क, तो हमने दे दी है इस गाड़ी की डिलीवरी गाइस। तो ये रही हमारी रेंज रोवर, जिसकी हमने दे दी है डिलीवरी, और बहुत प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी रेड कलर की रेंज रोवर। तो भाई बहुत प्यारी लग रही है, और जिसकी भी है ये अब से वो बहुत मजे करने वाला, लेकिन ये गाड़ी हमारी, तो हम इसको लेके वापस अपने शोरूम जाते हैं, क्योंकि ये हमने अभी किराए पे ली है, क्योंकि ये हम पे है नहीं, लेकिन इस बार मैंने इसके भी ऑर्डर दे चुकी है, तो ये भी हम पे आ जाएगी, तो अब हमें इसको किराए पे मंगवाने नहीं पड़ेंगे। तो चलो गाइस, अब फटाफट से चलते हैं और खड़ी करते हैं अपने इसको शोरूम में ले जाके,
ये बहुत अच्छी गाड़ी है वैसे, इसकी भी सेल अच्छी होगी। किराए पे नहीं देंगे हम तो, सेल ही करेंगे सीधे से, क्योंकि बहुत प्यारी गाड़ी है और इधर साइड में खड़ी अच्छी मिलेगी। तो गाइस अभी मैंने उसे वहाँ खड़ा कर दिया है, अब चलते थोड़ी देर रेस्ट करने। तो गाइस अभी मैं रेस्ट करके हट चुका हूँ। तो गाइस अब चलते बाहर फटाफट से और अपने हॉर्स को थोड़ा बाहर घुमाते, देखो वो अकेले पता नहीं किधर जाने की कोशिश कर रहा है। चलो फटाफट से इसको बैठते हैं और इसको लेके चलते सीधा फटाफट से थोड़ी देर बाहर घुमाने। तो इस पर बैठ जाता हूँ तो ये समझ जाता है कि हम मुझे कहीं यहाँ तो बाहर घुमाएंगे या कहीं खड़ा करेंगे। तो अभी तो हम इसे ले जाके थोड़ा बाहर घुमाएंगे, क्योंकि बेचारा घर में रहता है दिन भर, तो इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो थोड़ी देर से ही बाहर घुमाते हैं। और ये भागता इतना प्यारा लगता है ना जब ये भागता है, तो आप भी हमें जो कमेंट में बताना कि आपको हमारा हॉर्स कैसा लगता है। तो चलो गाइस फटाफट से इसको थोड़ी देर हम वॉक कराते हैं इसकी बाहर, और फिर इसको वापस हम अंदर खड़ा कर देंगे। तो गाइस बहुत देर इसको हमने वॉक करा दिए, तो चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं वापस अपने घर के अंदर। तो चलो गाइस फटाफट से इसको दौड़ा के ले आते घर के अंदर। और हमारी रॉल्स रॉयस भी बाहर ही खड़ी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये वापस आ चुकी है। मैंने पुलिस कंप्लेन में बताया नहीं है अभी पुलिस को कि हमें वापस मिल चुकी है, तो इसको भी मैं कल या परसों में बता दूंगा कि मुझे एक रोड पर पड़ी हुई मिल गई थी, तो मैं वहाँ से उठा लाया और नंबर प्लेट भी वही थी। तो पुलिस को ऐसी ऐसी जानकारी दे के बता देंगे, नहीं तो पुलिस को बता नहीं सकते कि हमने ये बुगाटी के बदले की। और गाइस आज मैं अपने हॉर्स को इस कमरे में रखूँगा, क्योंकि ये कमरा हमारे कहीं खाली रहता है, तो हमारा हॉर्स इसी में रहेगा। उधर कोने में मुझे अच्छा नहीं लगता कि उधर कोने में रहता है, तो हम इसे आज यहीं पर खड़ा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो गाइस अब चलते हैं उधर और अपनी टार्जन का कलर वापस पहले वाला ही करवा लेते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से अब इसे भी अंदर खड़ा कर देंगे जाके। तो चलो फटाफट से इसको बाहर निकालना पड़ेगी पहले, इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। चलो गाइस फटाफट से पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ आके मैं। तो चलो गाइस गाइस मैंने इसे बाहर निकाल लिए, तो चलो फटाफट से इसको अंदर ले आके खड़ा कर देते हैं। तो चलो फटाफट से इसे खड़ा कर देते अंदर ले आके। तो चलो गाइस ये आराम से अंदर आ चुकी है, क्योंकि इसका बेस इतना अंदर नहीं, जो बुगाटी थी वो तो अंदर ही नहीं जा रही थी। और गाइस जिन जिन ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा मुझे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ओके गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाय बाय।